जय हिंद एवरीवन। एंड जैसा कि आपको पता है, आज एनडीए 2023 का रिजल्ट आ गया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना नाम इस लिस्ट में डाल लिया है। ठीक है, उन्होंने काफी मेहनत की है। एनडीए एग्जाम इज नॉट जस्ट ए केक वॉक कि आपने दो चार दिन पढ़ा या एक महीना पढ़ा और ये एग्जाम हो गया। इसके पीछे बहुत रिग्रस हार्ड वर्क होता है, बहुत स्मार्ट वर्क होता है, तब जाके आपका ये एग्जाम क्लियर होता है। और एग्जाम क्लियर होने की तो खुशी आपको होगी अभी, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या है आपका। नेक्स्ट अभी एसएसबी, जो आपके सपने को साकार करने में जो सबसे बड़ा अभी चैलेंज है वो एसएसबी है, और एसएसबी आपको क्लियर करना है। आपके कंधे पे जो दो सितारे लगेंगे, आपको जो ये सपना है कि मुझे इंडियन आर्म फोर्सेस में डायरेक्टली सर्व करना है, इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, वो सपना साकार करने के लिए आपको पहले एसएसबी क्लियर करना होगा। इट इज ए 5 डे प्रोसेस, एंड इस प्रोसेस में आपको साइकोलॉजी टेस्ट, जीटीओ ग्राउंड टास्क ऑफिसर्स टेस्ट और फर्दर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट वो आपको क्लियर करना होगा। जब तीनों लोगों की मंजूरी आपको मिल जाएगी तब आपका एसएसबी क्लियर माना जाएगा, और तब आपका मेडिकल होगा जो कि अगेन 5 डे प्रोसेस है, और उसके बाद आपका मेरिट बनेगा आपके मार्क्स के आधार पर, और तब फाइनल लिस्ट आपकी लगेगी। एसएसबी के लिए आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए, हमारी आने वाले टाइम में कुछ वीडियोस आपको देखने को मिलेगी कि अभी जो आपको लेक्चरेट में हेल्पफुल होगी, जो आपको साइकोलॉजी टेस्ट में आपको टेट पीपीडीटी वेट या एसआरटी और सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्प करेगी। मीनवाइल आप जीटीओ टास्क से रिलेटेड आपका क्या क्या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट गाइडेंस चाहते हैं हमसे और हमारे जो टीम मेंबर्स हैं जो इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखते हैं और एग्जाम्स को क्लियर कर चुके हैं और ना जाने कितने स्टूडेंट्स का एसएसबी क्लियर करवा चुके हैं और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनकी गाइडेंस में आप डायरेक्टली आना चाहते हैं तो एसएसबी की गाइडेंस के लिए हमारा बैच अवेलेबल रहते हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी आप वो ज्वाइन करने कर सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट टिप आपके लिए रहेगी, इस पूरी प्रोसेस में आपको ना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। टोटल 15 ओएलक्यूज हैं जो कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, उन पे आपको फोकस करना होगा। और ये ओएलक्यूज ऐसा नहीं है कि नेचुरली आपके अंदर होती है, कुछ इनमें से आपके अंदर होती है, कुछ आपको डेवलप करनी होती है, और वो जो डेवलप करने की प्रोसेस है ये 1 डे 2 डे और 14 डेज 10 डेज 21 डेज ये प्रोसेस नहीं है, ये सस्टेनेबल एफर्ट्स डिमांड करती है और लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। आप कभी भी ऐसा नहीं है कि इधर एज ए सिविलियन से आप पूरा आर्मी माइंडसेट में 14 दिन की कहीं भी ट्रेनिंग करेंगे और ढल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये एक पूरी प्रोसेस है और इसके लिए एफर्ट्स भी ऐसे ही चाहिए होंगे, इसलिए हमारे जो बैचेस बनते हैं ये कभी भी 10 डेज 14 डेज ऐसे बैच नहीं बनते हैं, मिनिमम 45 डेज 30 डेज बहुत ही शॉर्ट टाइम में स्पैन में हमको कवर करना है, तभी हम 30 डेज, अदरवाइज 45 डेज का या एक बार गाइडेंस आपको रहती है 40 डेज के आसपास या 30 डेज के आसपास, उसके बाद भी हम आपसे रेगुलर टच में रहते हैं जब तक आपका एसएसबी हो नहीं जाता। और मॉक इंटरव्यूज की भी आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप नंबर जितने नंबर में आप देना चाहें वो दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक मॉक इंटरव्यू लिया और फिर आपको बोल दिया ठीक है आप में ये कमियां हैं, ना उन कमियों को सुधारना कैसे ये बातें की, ना ये बातें की कि आपको किस चीज पे काम करना है, आपको काम कैसे करना है इस पे तो कोई बात ही नहीं करता, ये बात भी आपको करनी बहुत जरूरी है। तो ये डिटेल्ड एनालिसिस, आपकी डिटेल्ड पर्सनैलिटी इवेल्युएशन और एनालिसिस के बाद आपको क्या एक्शंस लेने हैं उसको डेवलप करने के लिए, वो हम पूरा डिस्कस करते हैं एसएसबी क्लासेस में। दिल्ली में ऑफलाइन सेंटर है राजेंद्र प्लेस पे, आप वो विजिट कर सकते हैं आपको कोई भी डाउट आता है तो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, फर्दर आपको कुछ भी डाउट है अपनी आगे की प्रोसेस में तो हमें व्हाट्सएप गिवन नंबर पे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।